भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल इन दिनों बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट चला रही है। आज़ादी के पर्व को देखते हुए 11 अगस्त से इस ऑपरेशन अलर्ट के चलते सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर चौकन्नी हो गई है तथा अपने सभी अधिकारों व जवानों के साथ में सीमा पार की कोई भी नापाक हरकत रोकने के लिए मुस्तैद है। ये ऑपरेशन कल 17 अगस्त तक चलेगा। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मौसम और तेज आंधियों बवंडर आदि के समय घुसपैठ की आशंका के चलते यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने निगरानी और कड़ी कर दी है। जवानों के साथ अधिकारी भी सीमाओं पर एक तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। आम दिनों की तुलना में बॉर्डर पर वर्तमान में बल के 25% नफरी को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। बढ़ी हुई तैनाती कल 17 अगस्त तक कायम रहेगी। बीएसएफ ने इसको ऑपरेशन अलर्ट का नाम दिया है। दरअसल ये ऑपरेशन स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाया जाता है और इसके साथ ही मौसम में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बहुत बढ़ जाती है। सीमा पार से कोई भी घुसपैठ और आतंकी घटना नहीं घटे इसको लेकर बीएसएफ अलर्ट पर है। ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ की नफरी बढ़ाई गई है जो कि मंगलवार तक जारी रहेगी। अलर्ट घोषित होने के बाद में सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहों से सीमा को सुरक्षित रखने के जज्बे के साथ में पूरी चौकसी भी बरत रहे हैं। वे रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के बावजूद रात में तारबंदी के पास बंकर बनाकर कड़ा पहरा दे रहे हैं ताकि रात में सीमा पार से कोई घुसपैठ जैसी नापाक हरकत ना कर सके। इसके लिए ड्रोन लाइटें से भी तारबंदी पर नजर रखी जा रही है। आधुनिक हथियार के साथ में पेट्रोलिंग की जा रही है। अलर्ट के चलते सीमावर्ती थानों की पुलिस भी विशेष निगरानी बरत रही है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा प्रहारियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए पाबंद भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपी के न्यूज़।